झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम इटायल में आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम इटायल निवासी गीता पुत्री रामप्रसाद, खुशबू पुत्री रामप्रसाद, पार्वती पत्नी पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं निकिता पुत्री संतोष, पिंकी देवी पत्नी महेश आर्य, क्रांति पुत्री संतोष की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं मृतकों की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने मौके का मुआयना किया और परिजनों से जानकारी ली। वहीं मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम इटायर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई गई है। फिलहाल मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान संजय सिंह राजपूत। आज क्या घटना हो गई है? हमारे गाँव में 2:30 बजे के समथिंग आकस्मिक बिजली गिरने के कारण कुछ लोग मजदूर खेतों में कार्य कर रहे थे जी। तो उनके ऊपर अचानक बिजली गिरने से वो घायल हो गए। घायल में से 3 लोग अभी मृतक हो चुके हैं। अच्छा, लगभग कितने लोग थे वहाँ पे खेत पे? खेत पे तो 15-20 लोग थे, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोग घायल हुए, मृतक कितने लोग? मृतक 3 लोग। किस गाँव का मामला है? ग्राम पंचायत इटायल। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के हैं? क्या क्या घटना हो गई आज? खेत पे गए थे चाची के संग, बहुत मेहनत तो बस वहाँ बिजली चढ़ गई, तो वहीं बस पता क्या हुआ, गाज गिरी तो वहीं सब धो गया, फिर गिर गए भाई, फिर घर से लोग गए जब मुझे पता। कितने लोग थे खेत में? कैसे कितने लोग घायल हैं उसमें?